दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मोल कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्टूडेंट, मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक साल तो मैंने इसको तीन तीन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को देखा है। तो पूरा क्वेश्चन हम रीड करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हैं स्टूडेंट। ओके, तो हम यहाँ से चालू करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ इसके ऑप्शन भी मैं लिख के देता हूँ स्टूडेंट। 5%, दूसरा है 6%, तीसरा है 10% और चौथा है 3%। ओके, चलो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे आप क्या निकाल रहे बाहर, डाइजेस्टेड बाय द जेलदाल मेथड एंड इवॉल्व अमोनिया वॉज एब्जॉर्ब इन 60 ml ऑफ m/10 सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से आप जेलदाल मेथड से अमोनिया को बाहर निकाल रहे। ओके, तो अमोनिया की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है। ओके, अमोनिया की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है, अमोनिया बेस से सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी। यह आपका बनेगा NH4+ SO4-, तो अभी इस क्वेश्चन को हम इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं स्टूडेंट। या आपको ये दो मोल लेने पड़ेंगे या आपके दो मोल बनेंगे। ओके, तो या आपका एक मोल, इसका एक मोल कंज्यूम होता है तो इसके दो मोल कंज्यूम होंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो इवॉल्व हुआ जो अमोनिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी। बट ये पूरा का पूरा न्यूट्रल होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एसिड हमारे पास से गिरा है, तो वो जो एक्स्ट्रा एसिड गिरा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से हमारे पास अनरिएक्टिव एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ m/10 NaOH। मतलब जो भी एक्स्ट्रा एसिड हमारे पास से गिरा था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने फिर से NaOH इस बेस का यूज किया। तो अभी यहाँ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनेगी स्टूडेंट, Na2SO4+H2। तो इस रिएक्शन का भी बैलेंस करते हैं स्टूडेंट, या आपको 2 हाइड्रोजन 2 H2। ओके, तो या आपको 2 NaOH लेने पड़ेंगे। अभी लगभग यहाँ रिएक्शन आपको बैलेंस होती दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज द बैलेंस टू केमिकल रिएक्शन। अभी क्वेश्चन का सीधा सीधा पूरा मतलब निकालते हैं, अभी उसके बाद भी क्वेश्चन कुछ बचा है शायद, फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अभी तो ये डालने के बाद अभी पूरा का पूरा एसिड खत्म हुआ, मतलब कुछ एसिड यहाँ कंज्यूम हुआ, कुछ एसिड यहाँ कंज्यूम हुआ। तो ये एसिड को कंज्यूम करने के लिए आपका अमोनिया भी यूज हो रहा है और आपका NaOH भी यूज हो रहा है। ओके, तो अभी पूछा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ है तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, मतलब ये जो कंपाउंड था उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, हमें नाइट्रोजन का मास पता होना चाहिए सन, मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर खाली नाइट्रोजन का मास कितना प्रेजेंट है डिवाइड बाय टोटल कितना मास है, टोटल हमारे पास 1.4 ग्राम है। ओके, इनटू 100, तो हमें मास ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन का मास। अभी नाइट्रोजन का प्रेजेंट है अमोनिया के अंदर, तो पहले तो हमें अमोनिया के मोल पता करने पड़ेंगे। ओके, अभी अमोनिया के मोल भी पता चलेंगे जब आपको H2SO4 के मोल पता चलेंगे, क्योंकि H2SO4 का एक मोल खत्म होता है तो इसके दो मोल खत्म होते हैं, मतलब डबल, इसका एक तो इसका डबल खत्म हो रहा है, तो हम इसके मोल निकालते हैं स्टूडेंट। तो मोल निकालने के लिए उन्होंने कुछ डाटा दिया है हमारे पास, 60 ml ऑफ m/10 सल्फ्यूरिक एसिड। m/10 मतलब क्या, मोलरिटी देके रखी है 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मोलर देके रखा है। तो मोलरिटी मतलब क्या स्टूडेंट, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो या आप नंबर ऑफ मोल को पता कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल क्या आएगा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000। तो या आपका लगभग आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, मोलरिटी कितनी है, m/10 मतलब 0.1 इनटू वॉल्यूम क्या देके रखा है स्टूडेंट, 60 ml डिवाइड बाय 1000। तो या आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ये ऊपर जाके 10^-2 बनेगा और इसका आपका -1, मतलब ये आंसर 6×10^-3, ये आपके H2SO4 के मोल आ रहे हैं। ये तो आए आपके H2SO4 के मोल। अभी आप बात करते हैं स्टूडेंट
सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मोल आए। अभी इसके जितने मोल कंज्यूम हो रहे उतने उसके डबल यहां कंज्यूम हो रहे, बट वो बोल रहे कि यहां कुछ ये बच रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज द एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कितना है वो हमें पता करना है। अभी यहां देखो श्रम, इसके दो मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके एक मोल कंज्यूम होगा, तो इसके हम मोल निकालते हैं। ओके, अभी यहां डाटा हमें डाटा दिया है, बट इस डाटा से हम ये कंक्लूजन नहीं निकल सकते क्योंकि H2SO4 एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो यूज कितना होगा उसमें से वो तो हमें पता नहीं है, वो हमें इस रिएक्शन से पता करनी है। ओके, तो अभी देखो सेकंड रिएक्शन का डाटा रीड करते हैं। फिर अभी NaOH का हमें दिया क्या है, वॉल्यूम दिया है 20 ml, या NaOH का आपको 20 ml वॉल्यूम दिया है। ओके, देखो स्टूडेंट, या 20 ml ऑफ m/10 NaOH, तो 20 ml m/10 मतलब क्या, वॉल्यूम तो 20 ml है और मोलरिटी 1/10 मतलब 0.1 दे के रखी है, तो या आपको नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। वॉल्यूम हम ml में ले रहे हैं इसलिए यहाँ डिवाइड 1000 कर रहे हैं। ओके, तो मोलरिटी कितनी दी है स्टूडेंट, मोलरिटी आपको दी है स्टूडेंट 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट 20 ml डिवाइड बाय क्या स्टूडेंट 1000, तो यहाँ एक से कट रहा है, तो यहाँ आपका आंसर लगभग क्या आ रहा है 2 × 10⁻³। ये किसके मोल आ रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH, तो मोल 2 × 10⁻³ आ रहे, तो यहाँ मैं मोल यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट 2 × 10⁻³ मोल NaOH के आ रहे। तो NaOH के दो मोल खत्म होने के बाद इसके कितने मोल खत्म हो रहे, एक, तो हाफ मोल इसके खत्म हो रहे, तो अभी यहाँ 2 × 10⁻³ खत्म हो रहे, तो यहाँ इसके कितने खत्म हो गए स्टूडेंट, तो यहाँ इसके खत्म हो गए हाफ उसके, तो H2SO4 की यहाँ खत्म कितने हो रहे स्टूडेंट, एक मोल 1 × 10⁻³, तो इसका मतलब है यहाँ इतना मोल बच रहा है, ये इस रिएक्शन के अंदर इतने मोल बच रहे। ओके, तो बच रहे है, इसका मतलब यहाँ खत्म कितने हो गए स्टूडेंट, तो यहाँ आपके खत्म 5 × 10⁻³ होंगे, तो यार 5 × 10⁻³ खत्म हो गए, तो उसके डबल यहां खत्म हो गए, तो यार खत्म कितने हो गए स्टूडेंट 10 × 10⁻³। टोटल हमारे पास कितने मोल थे स्टूडेंट 6 × 10⁻³, उसमें से आपके बच कितने रहे स्टूडेंट 1 × 10⁻³, तो ये इसका मतलब है कंज्यूम कितने हो रहे स्टूडेंट 5 × 10⁻³, इसके जितने खत्म हो रहे उतने डबल उसके खत्म हो रहे, इसका मतलब इसके खत्म हो रहे 5 × 10⁻³, इसके खत्म हो गए 10 × 10⁻³, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास अमोनिया के मोल तो आए, अमोनिया के मोल आए, इसका मतलब नाइट्रोजन के मोल आएंगे, तो यह आपका अमोनिया के मोल कितने आ रहे स्टूडेंट, मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1 × 10⁻³। तो एक मोल अमोनिया के अंदर एक मोल नाइट्रोजन आइटम होता है, तो इतने मोल के अंदर कितने रहेंगे स्टूडेंट, ये दिस इज द मोल ऑफ अमोनिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 1 × 10⁻³ मोल आपके नाइट्रोजन आइटम है और 3 × 1 × 10⁻³ मोल आपके एच आइटम है, क्योंकि नाइट्रोजन के जितने भी मोल है उसके 3 times आपके हाइड्रोजन के आइटम है और अमोनिया के जितने भी मोल है उतने ही नाइट्रोजन के मोल है। ओके, अमोनिया के जितने भी मोल है उतने ही आपके नाइट्रोजन के मोल है, तो अभी नाइट्रोजन के मोल तो पता चले स्टूडेंट, अभी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है स्टूडेंट 40, तो मोल तो आपको पता है स्टूडेंट कितने 1 × 10⁻³ - 2, ओके, क्योंकि यहाँ जोरो को कम किया है हमने, तो यहाँ माइनस टू आएंगे इंटू क्या 14, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा आपका स्टूडेंट, तो ये लगभग आपका आ रहा है 0.14 ग्राम, इतना ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास अभी है। ओके, तो अभी हमें वही निकालना था स्टूडेंट, यहाँ मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, तो वो कितना आ रहा है 0.14, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है स्टूडेंट 0.14 डिवाइड बाय क्या 1.4 इंटू क्या 100, तो अभी यहां इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 14 डिवाइड बाय 1.4 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या आएगा 10%, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, तो यहां आपको 10% कहां दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 3 में आपको
को करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छुपे, इस क्वेश्चन को आप मिली इक्वालन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे ये मेथड सही लग रही है इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन के अंदर लिया है। कई बार इस क्वेश्चन के अंदर जो एसिड है उसको चेंज किया है, SL यूज किया है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे स्टूडेंट, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके ठीक है स्टूडेंट।